गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास. टुडे वी विल डू वर्क इन मैथ्स बुक. ओपन दिस. टुडे वी विल डू नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. ओपन द पेज नंबर 14. ओके, नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट आपको यहाँ समझना है और यहाँ फिल करना है. These balls have been arranged from the smallest to the biggest. Mean यहाँ पर balls दी हुई हैं, ये आपको पहचानना है. सबसे पहले यहाँ पर small ball है, small. उसके बाद थोड़ा सा इसमें big है, उसके बाद थोड़ा और big, और बड़ा, और last में सबसे बड़ा. Mean smallest to the biggest. Small mean छोटा, biggest mean बड़ा होता है. These numbers have been arranged from the smallest to the biggest. तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए small to biggest. आपको समझना है किस तरीके से दिया है. 4 के बाद क्या है नंबर 5 6, उसके बाद 7 8. इस तरीके से ये अरेंज है, लिखे हुए हैं यहाँ पर. एक्सरसाइज 1.5. तो आपको पेंसिल से फिल करना है. क्वेश्चन 1, राइट दीज नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑन द लोएस्ट स्टेप टू द बिगेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्टेप्स. तो यहाँ इस तरीके से ये क्वेश्चन 1 है. आपको यहाँ पहचानना है ये नंबर लिखे हुए हैं 8 3 5, जो इस तरीके से स्टेप दी हुई है. सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखा है नंबर 3, यहाँ देख सकते हैं. उसके बाद हम ऊपर की तरफ चलेंगे नंबर 5, और फिर लिखा है नंबर 8, लोएस्ट स्टेप टू द बिगेस्ट टॉप. आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है यहाँ. तो ये क्वेश्चन 2 है, पहचानना है. 6 2 1, तो सबसे स्मॉल टू बिग करेंगे हम. स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे चिल्ड्रन? 1. तो आपको यहाँ पेंसिल से लिखना है 1. उसके बाद यहाँ सर्कल में फाइंड करेंगे, लिखेंगे 1 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? 2. तो यहाँ लिखेंगे 2. और जो सबसे बड़ा है, बिग नंबर है, वो है 6. ऑलरेडी लिखा हुआ है. इस तरीके से समझ कर फिल करना है. अब नेक्स्ट 7 8 6, तो सबसे स्मॉल नंबर फाइंड करेंगे 6. यहाँ लिखेंगे 6. उसके बाद 6 के बाद नंबर आएगा 7. तो हम इस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे. 6 के बाद आएगा 7, और उसके बाद ऊपर टॉप पर लिखेंगे 8. इस तरीके से आपको पहचान कर लिखना है. 3 9 8, स्मॉल नंबर फाइंड करेंगे 3. राइट डाउन नंबर 3 राइट हियर आफ्टर दिस 8. 3 के बाद में यहाँ आएगा 8, और सबसे बड़ा बिग नंबर 9. इस तरीके से लिखेंगे. नेक्स्ट 5 6 1, तो स्मॉल नंबर 1 सर्कल में लिखेंगे. उसके बाद आता है 5, और सबसे ऊपर यहाँ टॉप पर लिखेंगे. इस तरीके से बनाना, यहाँ 6 लिखेंगे. 4 3 2, तो नीचे लिखेंगे यहाँ 2. उसके बाद आएगा 3, और सबसे बड़ा नंबर जो बिग है वो है 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 2, राइट द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट. कुछ नंबर इस तरीके से अरेंज हैं, इनको हम सेट करेंगे स्मॉल टू बिग. मतलब सबसे छोटा नंबर लिखेंगे यहाँ, उसके बाद बड़ा लिखेंगे, बिग और बिग और सबसे बड़ा वाला यहाँ. तो यहाँ देखेंगे 8 7 2 9 4, तो स्मॉल नंबर कौन सा है चिल्ड्रन? नंबर 2. उसके बाद में क्या आएगा? नंबर 4. आपको ऐसे इस तरीके से लिखना है 2 4, नेक्स्ट 7, उसके बाद आएगा 8, और सबसे जो ज़्यादा बड़ा है बिग नंबर वो आएगा 9. यहाँ लिखेंगे नंबर 2 5 1 8 7 4. तो आपको फाइंड करना है, स्मॉल नंबर होता है यहाँ 1, उसके बाद में यहाँ आएगा 4 के बाद दिया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 7, और लास्ट में आपको लिखना है 8. इस तरीके से पहचान कर समझ कर लिखना है. नया क्वेश्चन 3 में यहाँ नंबर 3 2 8 6 4 9, स्मॉल नंबर 2 है,
इसे यहाँ लिखेंगे स्टार्ट में, स्टार्टिंग में टू के बाद लिखेंगे फोर, उसके बाद आता है सिक्स, उसके बाद आएगा एट, और यहाँ सबसे बड़ा नंबर नाइन दिया है। इस तरीके से आपको समझ करके ये फिल करना है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।